बिना क्रोशिया बिना सिलाई सिर्फ दो उंगलियों से बनाएंगे एक अमेजिंग सी चीज़। जी हाँ, इस तरीके से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। मैं तो कहती हूँ सब कुछ बना सकते हैं, जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं इस विंटर में आप सब कुछ इस आइडिया से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी सिर्फ दो उंगलियाँ। जी हाँ, सिर्फ दो उंगलियों से आप ये पूरा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो क्रोशिया ना ही कोई नीडल, कुछ भी नहीं लेना और कोई पेन, कोई ऐसा ट्रिक नहीं है। बहुत सिंपल, सिर्फ दो फिंगर यूज़ करूँगी और ये अमेजिंग का डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। तो अगर आपके पास भी ऊन बचे हैं तो ये आइडिया ज़रूर ट्राई करिएगा। ऊन के अलावा आपको चाहिए एक पतली सी लंबी सी सुई। जी हाँ, ये नीडल मैं ले रही हूँ और इसमें अगर ऊन ना जाए तो एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, क्योंकि मोटा होता है ऊन और इस नीडल में, नीडल के छेद में नहीं जाएगा। तो आप क्या करिए, फेविकोल लीजिए और हाथों में थोड़ा सा लगा करके इसके टिप में इसको थोड़ी देर के लिए रख लीजिए तो एकदम टाइट हो जाएगा। फिर आसानी से चाहे कितनी भी मोटी सुई हो, कितनी भी पतली सुई हो, हर होल में ये आपका थ्रेड चला जाएगा। आज के डिज़ाइन का ये जो पैटर्न है सिर्फ इन दो फिंगर्स से तो बन ही रहा है, साथ ही साथ इन फिंगर्स में जब आप बनाएं तो देखिए थ्रेड को पहले थोड़ा सा बड़ा कर लें, इस तरीके से आपको पकड़ना है और इसको हल्का सा साइड में कर लें। अब ये जो फिंगर में आप लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली स्टार्टिंग की, बस आपको अपनी उंगलियों की यही निशान को ध्यान रखना है और इसी पे ही धागे को रैप करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने धागे को एक साइड पहले स्टार्टिंग वाले को साइड में कर लिया। अब इसको हम 20 बार गिनेंगे, तो अगर बहुत मोटा ऊन है तो थोड़ा कम कर लीजिए, बाकी ये 20 इनफ है, 20 राउंड लेंगे। देखिए 20 राउंड हो चुके हैं और फिंगर में कोई मैंने टाइट नहीं बांधा, बहुत लूज नहीं बांधा है और सब उसी निशान के ऊपर मैंने 20 राउंड लिए हैं। अब आपने जो निडल में जो धागा डाला होगा ऊन का, उससे ही हमको देखिए सेंटर पे मैं इसको नॉट लगा लूँगी। तो ये जो दो उंगलियों के बीच में जो जगह है ना, आराम से आपकी सुई चली जाएगी, यहाँ से आप इसको नॉट लगा लीजिए। ये देखिए इसमें अच्छे से मैंने नॉट लगा लिए। अब इसका धागा कट कर लीजिए। अब अपनी उंगलियों को हल्का सा फोल्ड करिए इस तरीके से। अब सेकेंड राउंड में देखिए यहाँ पर हम इसको नॉट लगा देंगे, तो ये आपका प्यारा सा एक जो फ्लावर की पेटल्स होती है ना, ये बन जाएगी। और इस तरीके से आपको 5 एक कलर के बनाने हैं, आप अलग अलग कलर्स के भी बना सकते हैं। तो अच्छे से इसको नॉट लगा लीजिए और इसको आराम से उंगलियों से निकाल लीजिए, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए कितने आराम से निकल आता है, देखिए कितना प्यारा सा पेटल बन गया है। और इसको इस तरीके से, ये देखिए कितना सुंदर है, इसको अच्छे से हाथों से नीचे की ओर दबा लीजिए तो ये बहुत ही अच्छा सा शेप आ जाएगा। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 5 पेटल्स लिए हैं और इनको सेम, चाहे तो आप ग्रीन अगर है आपका तो ग्रीन ऊन लीजिए या फिर वाइट थ्रेड भी ले सकते हैं। और इस तरीके से 5ों को एक ही थ्रेड में हम डाल लेंगे, उसके बाद आप खींच करके इसको नॉट लगा दीजिए, ये बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बन जाएगा। तो ये देखिए हमारा फ्लावर बन करके रेडी हो चुका है, बहुत सिंपल बहुत प्यारा। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए आप चाहे तो इसमें बीट लगा सकते हैं, मोती लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसी तरीके से बाकी फ्लावर ही बना लिए हैं और मैं बनाने जा रही हूँ अपने गोपाल जी के लिए ब्लैंकेट। और इतने सफिशियंट है उनके लिए, क्योंकि इससे पहले जो मैंने उनके लिए रजाई बनाई थी वो इतनी बड़ी थी, अब उसी के बराबर ही मैं ब्लैंकेट बनाऊँगी। तो इन फ्लावर को अच्छे से अरेंज कर लीजिए। तो आप वैसे इससे तो कुछ भी बना सकते हैं, पोंचो बनाइए, ब्लैंकेट बनाइए, शॉल बनाइए, मफलर बनाइए, कुछ भी बनाइए इस सिंपल पैटर्न से। तो चाहे तो सर्कल बना सकते हैं या फिर स्क्वायर, किसी भी तरीके से, बस आपको इन पेटल्स को ज्वाइन करना है। अच्छा, ज्वाइन करेंगे कैसे, ये देखिए जो आप इसका कॉर्नर देख रहे हैं ना, कॉर्नर से बस आपको अंदर की ओर इस तरीके से बस नॉट लगानी है हल्के हाथों से, ये ताकि ये प्रॉपर इस शेप में आ जाए। तो मैं इनको अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ और ये है मेरे गोपाल जी की रजाई। और मैं इतना ही बड़ा स्क्वायर में बनाऊंगी, तो आप बहुत बड़ा बनाइए, छोटा बनाइए, अपने अकॉर्डिंग इसको बनाइए। और इसे ना आप डोरमैट भी बना सकते हैं, आप सेंटर टेबल के लिए भी बना सकते हैं, बहुत प्यारे प्यारी चीज़ें इसे बन जाती हैं। अब सारे फ्लावर को इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए आपस में और यहाँ पर मैं बहुत हल्के हाथों से लगा रही हूँ इसमें नॉट, और बहुत टाइट नहीं, बहुत लूज़ नहीं, सिंपल आपको इस तरीके से नॉट लगा लेनी है।
अब इसी तरीके से सबको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए ये सिंपल ट्रिक से मैंने भगवान जी के लिए ब्लैंकेट रेडी कर लिया है। आप इसी तरीके से कुछ भी आप जो चाहते हैं बना सकते हैं, पोंचो, शॉल, स्वेटर, कुछ भी बना सकते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक है और देखने में बहुत सुंदर, और जिनको सिलाई क्रोशिया नहीं आती है वो भी बना सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग सा आइडिया है, इस विंटर में ज़रूर ट्राई करिए। धूप में बैठ के बनाइए, बातें करते करते बनाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप आराम से 20 राउंड काउंट कर लेंगे और इतना खूबसूरत सा डिज़ाइन ये रेडी हो जाएगा। तो बहुत सिंपल, बहुत आसान, सिर्फ दो उंगलियों में थ्रेड को घुमाइए और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन हो जाएगा रेडी। और इस तरीके से आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, इसी तरीके से आप स्वेटर भी बना सकते हैं, इसी तरीके से आप मफलर भी बना सकते हैं, पोंचो, यहाँ तक कि इस तरह से कुशन भी बना सकते हैं। थोड़ा बहुत भी चेंज करेंगे, एक नया डिज़ाइन आपके सामने आ जाएगा। तो ये था आज का सिंपल सा वीडियो सिंपल ट्रिक के साथ। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद है इसको ज़रूर लाइक करिएगा।